हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदि टेक ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यहां पे निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, इंटरमीडिएट के सामान्य वर्ग के छात्रों को इस साल नहीं मिल सकेगा वजीफा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बजट की कमी से 2,39,924 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से होना पड़ेगा वंचित। दोस्तों, 190 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए मांगी गई है अनुमति। क्या है पूरी खबर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी स्टूडेंट के लिए यहां पे खबर आई है, वो लोग भी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको भी एंड में यहां पे बताने वाला हूं कि आपकी जो छात्रवृत्ति है उसमें किसको नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये लखनऊ की न्यूज है। सामान्य वर्ग के इंटरमीडिएट के 2,39,924 छात्रों को चालू वित्त वर्ष में वजीफा नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह बजट की कमी बताई जा रही है। इन छात्रों को वजीफा न मिल पाने की पुष्टि समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने भी कर दी है। तो आपको बता दें कि अब इनको वजीफा मिलना मुश्किल है क्योंकि बजट की कमी यहाँ पे दिखाई देती है। और ये समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये खुद कह दिया है। आपको बता दें, सरकार हर साल कक्षा 11 और 12 के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ साथ शुल्क की भरपाई भी करती है। इस बार पहले सभी छात्रों को फीस की भरपाई करने का निर्णय लिया गया। बजट बचने पर उसका उपयोग छात्रवृत्ति देने में करने का प्रावधान किया गया है। यानी जो भी जनरल के स्टूडेंट है, वो कोई भी कोर्स कर रहे हो, उनको सबसे पहले यहाँ पे फीस वापसी की गई है। उसके बाद अगर बजट बचा है तब छात्रवृत्ति यहाँ पे देने का निर्णय किया गया है। इसके तहत अधिकांश बच्चों को शुल्क की भरपाई तो कर दी गई, पर उन्हें वजीफा नहीं मिल पा रहा है। समाज कल्याण विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक कक्षा 11 और 12 के 2,29,429 छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। विभाग का कहना है कि शुल्क की भरपाई से जो छात्र वंचित रह गए हैं, उन्हें भी वित्त विभाग की अनुमति मिलने पर शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। शुल्क प्रतिपूर्ति के तहत प्रत्येक छात्र के खाते में 500 से 1000 रुपए तक भेजे गए हैं। वहीं कक्षा 11 व 12 के सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 2500 रुपए का भुगतान किया जाता है। सामान्य वर्ग के छात्रों को इस साल उपलब्ध बजट में सिर्फ शुल्क की भरपाई ही हो सकी है, इसलिए कक्षा 11 व 12 के सामान्य वर्ग के एक भी छात्र को वजीफा नहीं दिया जा सकेगा। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। 190 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए मांगी गई है यहाँ पे अनुमति। जो भी यहाँ पे छात्रवृत्ति और फीस वापसी के लिए बजट था, वहां पे खत्म हो गया है। सिर्फ 190 करोड़ रुपए का जो बजट है वो बचा है। समाज कल्याण विभाग ने सामान्य वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के तौर पर 190 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए वित्त विभाग से अनुमति मांगी है। इन छात्रों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। बता दें आपको, जो 190 करोड़ का बजट था, ये अभी तक यहाँ पे सामान्य वर्ग के छात्रों को दे दिया गया होता, लेकिन ओबीसी के छात्रों में और यहाँ पे जनरल के छात्रों के बीच यहाँ पे मुठभेड़ होने के नाते और बहुत लोगों का कहना था कि यहाँ पे जातिवाद हो रहा है, इसके लिए वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दिया था। क्योंकि जो ओबीसी के छात्र हैं, वो करीब 6 से 8 लाख करीब बचे हुए थे जिनको छात्रवृत्ति और फीस वापसी नहीं मिल पाई थी, और सामान्य वर्ग के सिर्फ 2.5 लाख छात्र ऐसे थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी थी। तो इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने 190 करोड़ का जो रुपए का बजट था सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, इस पर रोक लगा दिया था। चालू वित्त वर्ष में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 9,58,405 इनमें से 6,99,359 छात्रों को 26 जनवरी तक भुगतान कर दिया गया था, लेकिन सामान्य वर्ग के अभी भी 2,59,046 छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा से वंचित है। इन्हें भुगतान के लिए विभाग के पास 190 करोड़ रुपए का बजट बचा है, लेकिन वित्त विभाग ने समाज कल्याण विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि बची राशि का भुगतान उसके अनुमति के बिना न किया जाए। यही वजह है कि समाज कल्याण निदेशालय ने वित्त विभाग से अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि 190 करोड़ रुपए से सामान्य वर्ग के करीब 60,000 और छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, अगर वित्त विभाग अनुमति दे देता है तो।
भी इस वर्ग के करीब 2,00,000 छात्र को इस वर्ष योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार इस वर्ग के उन विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा देती है जिनके परिवार की सालाना आय सभी स्रोतों से 2,00,000 रुपए से अधिक नहीं है। दोस्तों बता दें आपको, सामान्य वर्ग के 2,59,046 विद्यार्थियों को होनी है अभी शुल्क प्रतिपूर्ति, यानी 2,59,046 छात्र अपने शुल्क प्रतिपूर्ति से भी वंचित है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो 11वीं 12वीं के छात्र हैं इंटरमीडिएट के, उनको अब छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। अगले सत्र में ही छात्रवृत्ति मिलने का ज्यादातर चांस है। तो जितने भी यहाँ पे जनरल के छात्र हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। और आपको बता दें कि जो भी एससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी आई है। मैं सुबह वीडियो यहाँ पे डाला था, उनकी छात्रवृत्ति लगातार उनके पीएफएमएस पर शो हो रही है। और रही बात ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों के बारे में, तो माइनॉरिटी के लिए भी न्यूज आया था 2-3 दिन पहले कि 31 मार्च तक उनकी भी छात्रवृत्ति आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो 31 मार्च के बाद भी आएगी, क्योंकि अभी भी माइनॉरिटी के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति और शुल्क वापसी कुछ भी नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये न्यूज़ निकल के आई थी, ऑफिशियल न्यूज़ आई थी, तो कोई उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनकी छात्रवृत्ति जरूर आएगी 31 मार्च के पहले या 31 मार्च के बाद आना स्टार्ट हो जाएगी। और ओबीसी का यहाँ पे मामला फंस रहा है, तो ओबीसी के लिए भी उपाय किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने कहा है जो 190 करोड़ रुपए का बजट है यहाँ पे, वो शायद जनरल के स्टूडेंट को ना मिल पाए, क्योंकि उससे भी कुछ फायदा होगा नहीं, सिर्फ 60,000 लोगों को यहाँ पे मिल पाएगा, तो 2,00,000 वैसे भी यहाँ पे वंचित रह जाएंगे। इन्हीं सब को देखते हुए वो शायद यहाँ पे ओबीसी के छात्रों को दे दिया जाए। और ओबीसी के छात्रों के लिए यहाँ पे सरकार से और बजट की मांग की गई है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो दोस्तों 31 मार्च के बाद अब देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि उसके बाद यहाँ पे राज्य सरकार जो है वो बजट, नया बजट पास करेगी जरूर, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपनी छात्रवृत्ति और फीस वापसी से वंचित है, और अपने अगले क्लास की कक्षाएं उन्हीं से उनको पूरा करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जल्द ही उनके लिए बजट यहाँ पे दिया जाएगा। तो क्या ये न्यूज जो भी था मैं आपको बता दिया हूं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट को रीड करता हूं, उसके अनुसार आपको उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में दे देता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके। तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।